एक्सप्रेस न्यूज। और सारंगढ़ पुष्प वाटिका में स्थापित संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास का जैत खाम का होगा कायाकल्प। राज्य सरकार ने इसके लिए 50 लाख की मंजूरी देते हुए काम जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया, जिस पर अधिकारी तत्काल पहल करते हुए समाज के लोगों के सामने ठेकेदार को लेआउट दिया। सारंगढ़ गुरु घासीदास पुष्प वाटिका में निर्मित संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास का जैत खाम का जीर्णोद्धार करने व सौंदर्यकरण के लिए राज्य सरकार ने 50 लाख की स्वीकृति दी है, जिसे तत्काल पूरा करने के लिए कलेक्टर ने PWD को वर्क ऑर्डर देते हुए ठेकेदार को समाज के सामने PWD SDO ने लेआउट दिया। इसके लिए हम लोग CM से कई बार मिले और 50 लाख जो स्वीकृति हुई हमारे पुष्प वाटिका को डेवलप करने के लिए, तो हमने CM साहब से और 2 करोड़ का मांग किए थे इसमें, तो CM साहब ने बोला कि ये 50 लाख पहले खर्च कर लो, तो उसके बाद हम पैसा का कमी होने नहीं देंगे। और उनको नॉलेज में नहीं था कि ये ज्ञान स्थलीय करके और ज्ञान स्थलीय करके नॉलेज भी हम उनके डाले हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार के पैसा का कमी नहीं होने दूंगा बोला है वो, और ये ज्ञान स्थली मिनी गिरौदपुरी जैसा बनाएंगे वो, मैंने गिरौदपुरी की जैसा ही लगे। आज हमने ठेकेदार और जो है उपाध्याय जी और हमारे दुष्यंत डनसेना जी हैं, सभी इंजीनियर हैं PWD वाले, वो यहाँ लेआउट देने के लिए आए हैं। क्या काम के लिए? ये जो भवन माने बन रहा है रंगमंच का, उसमें ग्रीन रूम है तो उसके लिए लेआउट दे रहा है, और गुरु घासीदास का वो स्तंभ हम लोग बना रहे हैं उसका भव्य जो बन रहा है वो उसका लेआउट देने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत डबरा के करारोपण अधिकारी सहित 2 लोगों ने मिलकर विभिन्न मद की 29 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। यह रकम फर्जी चेक में हस्ताक्षर कर आहरण किया गया है। मामले की शिकायत जनपद CO नितेश कुमार उपाध्याय ने विभागीय जांच के बाद डबरा थाने